नमस्ते, गुड मॉर्निंग, वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल खंती ओडिया निरोजी एंड मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त रोजी। तो आज है कुमार पूर्णिमा की दिन, तो मैंने सुबह उठकर भगवान जी को पूजा कर लिया है एंड मैंने चाय भी पी लिया है क्योंकि अभी टाइम है 9:30। तो मैंने सुबह ही सब कुछ काम कर लिया है, पूजा की सब जो तैयारी है वो सब कर लिया है एंड पूजा हम इवनिंग टाइम में करेंगे। एंड दीपू चले गए हैं ऑफिस क्योंकि उनको एक मीटिंग था, वो उड़ीसा में और एक डिस्ट्रिक्ट में गए हैं, उसको बोलते हैं आठगढ़। आई थिंक आठगढ़ कटक डिस्ट्रिक्ट में है लेकिन वो आठगढ़ गए हैं। आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा, ये उड़िया का एक नाम है आठगढ़, तो वहां पर गए हैं। उनको आते आते रात हो जाएगा, रात यानी कि 9-10 बजे तो हो जाएंगे। एंड तो अब घर में है हम माँ और बेटी, तो मैंने सारी पूजा की तैयारी खत्म कर ली। मैं आप लोगों को भी दिखाऊंगी लेकिन अभी मैंने सिर्फ ये वाला एक कुर्ती पहनी है, बहुत ही सिंपल सा कुर्ती एंड थोड़ी सी ढीली भी है। एक्चुअली ये मुझे ठीक हो रहा था क्योंकि मैं बहुत ही ज्यादा हेल्दी एंड मोटी थी। अभी क्योंकि अभी मैं डाइट पे हूँ, दैट्स वे मैंने थोड़ी सी वेट लॉस, थोड़ी यानी कि मैंने 18 kg कम किया हुआ है, तो इसीलिए ये सारे जो कुर्ती है आप देख सकते हैं मुझे कितना ढीला हो रहा है। ये वाला, ये हाथ देख लीजिए, यानी इतना मैंने लूज किया है, इतना इतना ये और इतना, आप समझ सकते होंगे कि मैं कितनी मोटी मोटी थी। हाँ, मैं बहुत ही ज्यादा हेल्दी थी, बहुत ज्यादा, यानी कि मेरा वेट मैं इमेजिन नहीं करूंगी। जब मैं वीडियो बनाऊंगी ना वेट लूज की मेरी जर्नी के ऊपर, तो वहां पर मैं शेयर करूंगी मैं कितनी हेल्दी थी। एंड ये आ गई सिद्धि, अभी इसका काम करना है, इसको वॉकिंग कराना है, उसको उसका ड्रेस चेंज कराना है, सारे काम इसका कराना है। और तो चलिए मैं दिखा देती हूँ मैंने जो तुलसी का पौधा का नीचे वाला हिस्सा है उसको कैसा कलर किया है एंड सारे जो मैंने रेडी किया, रेडी मैं इवनिंग टाइम में दिखाऊंगी, नहीं तो बहुत ही लेंदी हो जाएगा वीडियो। पहले मैं तुलसी का पौधा के पास दिखा देती हूँ कि मैंने उसे कितना कैसे कलर किया। ये मेरा फैन पता नहीं क्या हो रहा है, इसे एक साउंड कें कें हो रहा है। मैं बैक कैमरे से दिखा दूंगी क्योंकि फ्रंट कैमरे से अच्छा नहीं दिखेगा, मैं बैक कैमरे से दिखा दूंगी। मैंने सुबह पूजा की थी, ये है लिली का फ्लावर, एक मैंने चढ़ाया है और जो मैंने रखा था उसको इवनिंग टाइम में लगाऊंगी। एंड ये मेरा, मैंने थोड़ी सी नीचे वाला हिस्से को थोड़ी सी डेकोरेट की है फ्लावर बनाकर। एंड मैं सभी कपड़ा पपड़ा सब चढ़ाऊंगी लेकिन इवनिंग के टाइम में रेडी नहीं, अभी मैंने सिर्फ कलर कर लिया। एंड जो मैं डेली पूजा करती हूँ घर में वही पूजा भी मैंने किया है, मैंने कलर कर लिया एंड बहुत सारा हिस्सा भी मैंने एकदम क्लीन कर लिया क्योंकि पूजा के टाइम ना बैठकर पूजा करने में नहीं तो दिक्कत आ जाएगी, तो वो हिस्से को अच्छी तरह से क्लीन कर लिया। यहाँ पर लाइट का कुछ प्रॉब्लम हो रहा है सर, बैठ जाते हैं, तो वो हिस्से को मैंने अच्छी तरह से साफ कर लिया पूजा के लिए क्योंकि थोड़ा सा स्पेस नहीं मिलेगा ना तो बैठकर पूजा करने में दिक्कत होगी क्योंकि बहुत सारा अरेंजमेंट करना है, बहुत सारा जैसे भोग लगाना है, कोकोनट को उसको क्या करना है, निकालना है अंदर से, बहुत काम है। तो सिद्धि को भी उधर, सिद्धि को उधर बैठा कर ही मैं पूजा करूंगी, तो मैं सब कुछ रेडी कर फिर आप लोगों के साथ मेरा टोटल पूजा का मैंने कैसे किया वो सब शेयर करूंगी। तो ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सा लेंदी होने वाला है, तो आप लोग मेरे वीडियो के साथ बने रहिए एंड प्लीज एंड प्लीज़ जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मैं फ्यूचर में और भी अच्छा अच्छा वीडियो आप लोगों के लिए ला सकूं। एंड मैंने थोड़ी सी मेहंदी भी रचाई है, मैंने लगाई थी मेहंदी दुर्गाष्टमी में, फिर मैंने कल थोड़ी सी लगा लिया अच्छी तरह से। सिद्धि रात को ऐसी जिद्दी करने लगी कि सोना है, मैं जल्दी जल्दी से ये वाला मेहंदी लगा लिया एंड निकाल भी दिया बहुत ही जल्दी से, इतना अच्छा नहीं रचा फिर भी चलेगा, सिर्फ ये हाथ में लगाया, इस हाथ के लिए टाइम नहीं मिला। तो चलिए सिद्धि को मैं अभी वॉकिंग कराती हूँ, उसको अच्छी तरह से रेडी कराऊंगी, उसको थोड़ी सी आज में ना क्या बोलते हल्दी लगाकर उसे बात कराऊंगी
आज लगाते हैं सारी लड़कियां जो होती है वो हल्दी लगाकर बात करते हैं, तो आप लोगों के साथ भी शेयर करूंगी कि मैं आज सीधी को कैसे बातिंग कराऊंगी। तो चलिए ऐसे बोलूंगी तो वीडियो बहुत ज्यादा लेंदी हो जाएगी। सो चलिए देखते हैं सीधी का बातिंग, मैं उसे कैसे बातिंग कराती हूँ। हाय एवरीवन, अभी का टाइम बजा है 1:00, तो मैं जा रही हूँ तुलसी माँ को कपड़े पहनाने। तो चलिए मेरे साथ, मैं अभी से ही थोड़ी थोड़ी काम शुरू कर दिया हूँ क्योंकि नहीं तो बहुत ज्यादा लेट हो जाएगा। मैंने साड़ी चेंज कर लिया, देख सकते हैं, और मैंने ये वाला इयररिंग पहना है और एक छोटा सा मंगलसूत्र और प्लेन चूड़ी। मैंने चूड़ी चेंज नहीं किया है, प्लेन चूड़ी और बहुत ही सिंपल सा ज्वेलरी मैंने टीमअप किया है क्योंकि ज्यादा हैवी हो जाएगा ना, क्योंकि बहुत सारा काम हैवी पहनूंगी तो अच्छा नहीं लगेगा, काम करने में थोड़ी दिक्कत आ जाएगी, इसलिए बहुत ही हल्का सा साड़ी देख सकते हैं, बहुत ही सिंपल एंड हल्का, बहुत ही लाइट वेटेड साड़ी है, वो पहन लिया। नाउ इट्स टाइम टू गेट रेडी विथ मी एंड यहाँ पर मैं लगा रही हूँ फाउंडेशन। ये ब्लू हेवन का फाउंडेशन है, बहुत ही कम मैंने फाउंडेशन लिया, उसको अच्छी तरह से फेस में नेक में ब्लेंड कर दूंगी क्योंकि बहुत ही सिंपल एंड सटल सा एक मेकअप चाहिए था। विदाउट मेकअप तो अच्छा नहीं लगेगा मुंह, इसीलिए मैंने सोचा कि थोड़ा सा मेकअप ही कर लेती हूँ। एंड ये है लैक्मे का रोज पाउडर, हाँ रोज पाउडर, उसको अच्छी तरह से फेस में नेक में लगा दूंगी। उसके बाद ये है आईब्रो पेंसिल, यह है स्विस ब्यूटी का आईब्रो पेंसिल। जब आप कभी जल्दी से कुछ करना चाहते हो, अगर आईब्रो फिल करना चाहते हो तो आईब्रो पेंसिल सबसे ज़्यादा अच्छा है। ये है एक आईशैडो पैलेट, यानी ये है आई थिंक ब्लू हेवन का आईशैडो पैलेट, और उसमें से मैं एक रेड कलर का सेड लेकर अच्छी तरह से आईलिड के ऊपर, क्रीज लाइन के ऊपर, यानी कि एंटर आँखों में मैं उसे ब्लेंड कर दूँगी। ये है मैट मी का एक मैट कलर का रेड स्टोन का लिपस्टिक, बहुत ही अच्छा एंड सिंपल सा लिपस्टिक है। मैं हो गई हूँ रेडी, देख सकते हैं आप लोग मेरी टोटल मेकअप, मैंने थोड़ी सी ही मेकअप शेयर की है, तो ज्यादा करूंगी तो वीडियो बहुत ही ज्यादा लंबा हो जाएगा। एंड ये है, एंड मैंने बहुत ही सिंपल एक जूड़ा बनाया है और ये कान को ढककर रखा है ताकि अच्छा दिखे। और ये साड़ी, एक मिनट में मिरर में दिखा देती हूँ, ये है साड़ी और ये है मेरा जूड़ा, सिंपल सा जूड़ा। और ये है झुमका, एंड मेरा लुक हो गया कंप्लीट। अभी बारी है मैं सिंदूर लगाऊंगी भगवान जी को, देन अभी सिद्धि को रेडी करूंगी, ये सबसे बड़ा काम है, तो चलिए करते हैं सब। यहाँ पर सिद्धि भी हो गई है रेडी, उसने ये वाला लहंगा कल खरीद के लाई थी, वो पता नहीं उसको क्या पसंद है ये वाला लहंगा, एंड बहुत ही सारा स्टोन का वर्क है। यहाँ पर एक पास में ही एक दुकान था, वहाँ से मैं लेके आई हूँ। अभी मैं तुलसी माता को हार चढ़ा रही हूँ, ये गेंदे का फूल का हार है, और उसके बाद ये है लोटस यानी कि कमल का फूल, और उसको खिलाकर मैं लगाऊंगी, एंड वो जो लिली का फ्लावर है वो भी लगाऊंगी, सारे कुछ फूल लगाऊंगी। आज की जो कुमार पूर्णिमा का स्पेशल दिन होता है ना, आज लिली फ्लावर यानी कि काई का फूल जो होता है वो भगवान तुलसी माँ को ज़रूर दिया जाता है, तो मैं अभी लोटस का फूल, काई का फूल यानी कि लिली का फूल दोनों ही मैं चढ़ाऊँगी। सारे जो गेंदे का फूल या मैरीगोल्ड का फूल है उसको अच्छी तरह से मेरे जो तुलसी पौधा के जो नीचे वाला हिस्सा है जिसको हम चौरा बोलते हैं, चौरा के चारों ओर मैं अच्छी तरह से उसे सजा दूंगी ताकि बहुत ही ब्यूटीफुल दिखे मेरी भगवान जी। मुझे फूलों से सजाना भगवान जी को बहुत ही पसंद है, और जितना अधिक फूल होगा उतना मज़ा आ जाएगा, मुझे मज़ा आता है मुझे। बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर मेरे पास कुछ फूल नहीं था, मैंने ये गेंदे का फूल ही सिर्फ खरीद के लाई थी। एंड ये देखिए मेरी भगवान जी कितने प्यारे, कितना खूबसूरत लग रहे हैं। और नीचे वाले ये मैं कलर्स मैंने बिठाया है, ये है खई, टू टाइप्स का खई, एक प्लेन और एक गुड़ का,
ये सारे वेजिटेबल्स, ये दीप धूप, यहाँ पर झूणा है जिसमें कोकोनट का जो होता है ना उसके ऊपर ये छिलका, वही जलाते हैं हम उस पर झूणा डालकर। ये सारे कुछ रेडी हो गए, अब सिर्फ चंदा मामा की वेट है। एंड यहाँ पर मिस कुमारी जो पूजा तो नहीं कर रहे हैं लेकिन यहाँ पर मोबाइल बैठकर देख रहे हैं, बोल रहे थे कि मैं इतना ज़्यादा समय नहीं बैठ पाऊँगी। मैंने बोला कि तुम मोबाइल देखो, मैं पूजा करती हूँ, एटलीस्ट तुम इधर बैठो। वो तो भाग रही थी। यहाँ पर मैंने सारे फ्रूट को कट कर लिया है छोटे छोटे हिस्से में, क्योंकि मुझे यहाँ पर चंदा बनाना है। जो सारे फ्रूट्स थे, केले हो गए, ऑरेंज, एप्पल, चीकू, पियर्स, जो नाशपाती है बोम, और क्या कोकोनट, उसको भी मैंने हम तो बोलते हैं कोरीबा, बट हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, कोकोनट को पूरा अंदर से निकालते हैं ऐसे खुरेद खुरेद कर, वही मैं वही अभी कोकोनट ही उसको निकाल रही थी। और अभी सारे जो वेजिटेबल्स है उसको मैं एक ही जगह पर रखूँगी, देन उसको मैं अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। एंड जो सुगर केन है ना, वो मुझे मेरे हाथों से वो कटा ही नहीं, तो मैंने ऐसे ही पूजा कर लिया। एंड ये सारे जो भोग के प्रसाद के जो सारे हैं उसको अभी पानी देकर मैं उसे अच्छी तरह से मिक्स करूँगी एंड चंदा बनाऊँगी। तो मैं जल्दी जल्दी ही अभी मिक्स कर देती हूँ, धीरे धीरे करूँगी तो और ज़्यादा लेंदी हो जाएगा वीडियो। तो देखिए मैं यहाँ पर पानी देकर, एंड जो कोकोनट का वाटर था ना उसको भी मैंने इस भोग में डाला था, तो ये सारे मिलाकर मैं अच्छी तरह से उसको मिक्स कर दूँगी ताकि थोड़ा गीला और थोड़ा सा स्मूथ हो जाए मेरे जो प्रसाद है। कुमार पूर्णिमा का मेन चीज़ ये है कि हमको चंदा बनाना है। ये केले के पत्ते नीचे वाला एक मैंने पीतल का प्लेट रखा है, उसके ऊपर एक केले का पत्ता है, यहाँ पर मैं चंदा बनाऊँगी। तो ये देखिए हाफ सर्कल करूँगी, देन उसके ऊपर एक छोटा सा गोला सा रखूँगी। तो हम लोग यहाँ पर ऐसे ही बनाते हैं चंदा, पूरा गोल नहीं बनाते हैं, ऐसे हाफ सर्कल कर देन ऊपर एक छोटा सा गोला बॉल की तरह से रखूँगी। तो ये हो गया मेरा चंदा रेडी। और बहुत सारे लड़की लोग हैं वो बहुत डिजाइन बनाते हैं और ही क्लीन शेप में बनाते हैं, लेकिन मैं ऐसे ही बनाती हूँ। एंड ये केले का पत्ता जो है ये कल का है, यानी कि अभी फ्रेश केले का पत्ता नहीं है, मैं कल रात ही लेके आई थी तो ये थोड़ा सा सूख गया है। ये मेरे चंदा मामा हो गए रेडी। ये जो चंदा मामा है ये सिर्फ सिद्धि और मैं, यानी कि हमारे घर लोग ही खाएंगे, दूसरा वाला जो है वो हम बांध देंगे छोटे बच्चों को। तो यहाँ पर मैं दीप बुला रही हूँ, उसके बाद धूप बुलाऊँगी, उसके बाद ये जो मैडम है मेरी सिद्धि का मैडम वो बुलाएंगे भगवान जी को। ये देखिए कैसे डर डर कर, मम्मा नहीं मेरा हाथ जल जाएगा, मम्मा नहीं मैं गिर जाऊंगी, ये कर जाऊंगी। वो भाग रही थी, उसके फ्रेंड्स सब खेल रहे थे ना छत के ऊपर, वो वहाँ पर भाग रही थी। मैंने उससे डांटा कि तुम आज पूजा है, एटलीस्ट पूजा तो थोड़ा करके जाओ। वो तो पूजा छोड़ो, वो उसको सिर्फ खेलने को आता है। ये देखिए दीप बुला रही है, खुद बुल रही है पता नहीं यार, अभी धूप लगाएगी फिर झूणा बुलाएगी, ये है झूणा ये लगाएगी। एंड यहाँ पर हो जाता है हमारा पूजा कंप्लीट। उसके बाद मैं चंदा को भोग देने छत के ऊपर गई थी बट मैंने उसे सूट नहीं किया। सो अभी मेरा पूजा खत्म हुआ है, अभी भी मैंने भगवान जी का स्क्रीन नहीं डाला है क्योंकि बहुत सारा सामान जो है मंदिर में लाके रखना है मुझे। वहां पर दिया जल रहा है, धूप जल रहा है, ये सब जल रहा है। खत्म होने के बाद वो मुझे वाश कर साफ कर लेकर मंदिर में रखना है, इसलिए मंदिर का स्क्रीन मैंने नहीं डाला है। एंड होप आप लोगों को मेरा सारा पूजा का विधि पसंद आया होगा। तो सिद्धि अभी तो छोटी है इसलिए वो कुछ नहीं कर रही थी, लेकिन ये जो पूजा है ना कुमार पूर्णिमा, वो सिर्फ गर्ल्स जो अनमैरिड गर्ल्स होते हैं उन लोगों के लिए है, वो लोग ही पूजा करेंगे। लेकिन अभी क्योंकि सिद्धि छोटी है वो कुछ कर नहीं पाएगी, अकेली सब कुछ कर नहीं पाएगी, इसीलिए मैं ये पूजा कर रही थी। लेकिन यहाँ पर जो बड़े बड़े गर्ल्स है, बड़े बड़े क्या बोलते हैं उसको, अनमैरिड गर्ल्स है, वो लोग खुद पूजा कर रहे थे। एंड अभी तक देखिए मून नहीं निकला है, मैंने वैसे ही पूजा कर लिया क्योंकि 6:30 हो गया, 6:10 हो गए हैं, अब तक
चंदा मामा जो है नहीं निकले हैं, वो रूठ गए हैं शायद। पूर्णिमा है, जल्दी निकल जाना चाहिए, लेकिन अब तक नहीं निकले। फिर भी हमने पूजा कर लिया, क्योंकि और ज्यादा रुकते तो रात हो जाती। फिर क्योंकि हम लोग ये वाला पूजा संध्या के टाइम ही करते हैं, जहाँ जिस समय हम धूप देते हैं उस समय ही पूजा करते हैं। पूजा मेरा हो गया है कंप्लीट, बहुत ही अच्छी तरह से मैंने पूजा किया, मन को एकदम सुकून और शांति मिला। होप आप लोगों को मेरे साथ पूजा देखकर अच्छा लगा होगा। एंड मैं जानती हूँ कि वीडियो थोड़ी लेंथी हो गई है, क्योंकि इतना सारा कुछ तैयार करना है ना, पूजा की सारी विधि, फूड्स, ये सब कटना, किसे मैंने प्रिपेयर किया, और भी ज़्यादा लेंथी होता अगर मैं स्टेप बाय स्टेप सब कुछ दिखाती। बट मैं ट्राई करूंगी कि मैं एक्सप्लेन कर दूँ स्टेप बाय स्टेप जब मैं वीडियो एडिट करूंगी। एंड होप आप लोगों को मेरा ये वाला कुमार पूर्णिमा स्पेशल ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड मेरे वीडियो को लाइक कर देना। तो रहती हूँ, नमस्ते, फिर मिलती हूँ और एक न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो ब्लॉग जो बोले उसके साथ।